पाठशाला, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोनाउन का चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रोनाउन के रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी एक वीडियो और बची है जिसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़नी है। रिलेटिव प्रोनाउन हमें पता है कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे हु होता है, होम हो गया हमारा, दैट हो गया, विच हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमें इनके रूल्स पढ़ने कि भाई ये इनका यूज़ कहाँ पे होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमारे ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे होंगे, मतलब किसी सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, तब हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं हु का यूज़ क्या होता है। देखिए, हु जो है वो वाक्य में कोई, अगर आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है, ध्यान रखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उसके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करता है, हु करता है। ठीक है, वाक्य में अगर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो उसका अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्लॉज देखिए क्या होता है, क्लॉज हमारा होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और अपना ही क्या हो, अपनी क्या हो, वो मिलके बनाती है हमारी एक क्लॉज। ठीक है, तो हु का काम होता है उसका क्या बनाना, उसका सब्जेक्ट के रूप में काम करना, ये काम होता है हु का। जैसे एग्जांपल से देखिए क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रीना सॉ द बॉय, रीना सॉ द बॉय हु वॉज लिम्पिंग। भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस होगा और ये हमारे पास क्या होगा, इसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब एक जो हमारी क्या हो रही हो, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, तो इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की अगर हम बात करें तो इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब ये है और ये है हमारी इसकी मेन वर्ब। तो अब इसका सब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या, कौन काम कर रहा है, हु काम कर रहा है। तो यहाँ पे हु काम कर रहा है इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो रीना सॉ द बॉय हु वॉज लिम्पिंग। और एक बात और याद रखना, हु का प्रयोग हमेशा हम पर्सन्स के लिए करते हैं, पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है हु का प्रयोग, और वहां पे भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट की तरह पे काम करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड होम की, क्योंकि होम भी इसी में ही पड़ी है, क्योंकि होम भी यही इसी से रिलेटेड है, तो होम क्या काम करता है, कोई जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, होम काम करता है उसके ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, होम काम करेगा इसके ऑब्जेक्ट में और जो हु था वो काम कर रहा था एज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज द बॉय या फिर दिस इज माय टीचर होम एवरीवन एडमायर्स। पर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये जो है देखिए एवरीवन एडमायर्स, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे किसका क्या मतलब है कि ये मेरी टीचर है जिसको सब एडमायर करते हैं। होम को अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में आता है जिसको या जिसकी। ठीक है, हु का मतलब आता है हिंदी में जो के सेंस में, ये आता है हु का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी ये वाली जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इस क्लॉज का ये काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट कि भाई दिस इज माय टीचर, एवरीवन एडमायर करते हैं किसको, माय टीचर को। ठीक है, तो ये काम कर रहा है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये जो सिंपल ऐसे रूल्स हैं जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वहाँ पे भी फिलअप्स में ये आपको दिए जाते हैं कि भाई आपको क्या कर देंगे, ये सेंटेंस दे देंगे और यहाँ पे फिलअप दे देंगे और आपको भरना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ध्यान रखना है होम का यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा फर्स्ट वाला देखिए, दोनों सेंटेंस अगर कंपेयर करो तो पहले वाक्य में हु जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई इस हु का ये वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट आना जरूरी, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट आए। अब दूसरे वाक्य में होम ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके लिए किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर ये होम सब्जेक्ट होता, मान लीजिए सब्जेक्ट होता, तो इसके लिए कोई ना कोई वर्ब आती, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर होम जो है हमारा एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि होम कहाँ लगना है और हु कहाँ लगना है। आइए बढ़ते हैं तीसरे पे, तीसरा हमारा होता है विच का यूज। ठीक है, नॉर्मली देखिए विच का यूज हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह हो जाता है।
ठीक है, विच का यूज हम क्या करते हैं, विच, और एक और आता है इसमें दैट, इन दोनों का यूज हमारा एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों का यूज, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से क्या होता है ना, क्लियरली समझ में आ जाता है। सेंटेंस में डू दिस इज द कार, हाँ दिस इज द कार विच इज परचेज्ड बाई यू। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, और अगर मैं बात करूँ दूसरा सेंटेंस तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज द कार विच यू परचेज्ड। तो दोनों सेंटेंस में आपको फर्क दिखेगा, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस साथ में लिख दिए। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज द कार विच इज परचेस्ड बाय यू, जिसे आपके द्वारा परचेज किया गया है। तो यहाँ पे इज, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, परचेज हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब इसका हमारे पास ये सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो ये विच यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द कार विच यू परचेज्ड, तो यू हमारी वर्ब है और इसका सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो ये काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर जो हमारा विच है वो एज एन सब्जेक्ट भी काम कर सकता है किसी उसमें, एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, ठीक है। दैट का रूल अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप एक बार विच का यूज, पहले आप विच का पढ़ लीजिए, ठीक है। विच का यूज हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसके लिए भी विच का यूज किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी विच का यूज होता है। और दूसरा, विच का यूज हम क्या करते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए यूज होता है। तो वस्तुओं के बारे में, यानी जो हमारे सामान वगैरह, जैसे हमने यहाँ पे कार की बात करी थी तो विच का यूज करा। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी दे देती हूँ, जो पशु पक्षी हैं कि इसके लिए भी अगर हम बात करें तो विच का यूज हम करेंगे। अगर मान लीजिए पशु पक्षी के लिए आप विच का यूज ना करके हु का यूज करने लगे ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हु हमारा किसके लिए आता है, पर्संस के लिए आता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विच का एक और एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज माई पैरट विच आई परचेज, बोल दीजिए बॉट बोल दीजिए, विच आई बॉट, बॉट लिख देती हूँ, बात एक है, बॉट लास्ट ईयर, भाई ये मेरा पैरट है जिसे मैंने क्या खरीदा था, लास्ट ईयर खरीदा था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पशु पक्षी की बात हो रही है, पैरट एक बर्ड होती है, तो उसके लिए हम विच लगाएंगे, और यहाँ पे विच काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगा है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी है, तो यहाँ पे काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था विच का रूल। आगे हम बात करते हैं विच के बाद हुज का रूल। अगला देखिए हमारे पास क्या है, हुज। अब देखिए हुज का एक बहुत ही अच्छा रूल होता है, वो क्या रूल होता है कि जो हुज का यूज होता है वो हम करते हैं अधिकार दिखाने के लिए, मतलब हुज का यूज हम मेनली अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। हुज का अधिकार को, मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूँ तो पजेशन बोलते हैं, भाई अगर किसी व्यक्ति या वस्तु पे आपको अधिकार दिखाना हो तो आप हुज का यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉग हुज लेग was broken should be hospitalized, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डॉग जिसका, जिसकी जो लेग था वो टूट गया था, तो यहाँ पे ये हुज बात कर रहा है, भाई ये जो लेग है ये किसके हैं, इस डॉग के हैं, इस लेग पे किसका अधिकार है, डॉग का अधिकार है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, हुज का यूज हुआ है। तो ये सेंस हुआ हमारा बर्ड्स एनिमल्स में। और अगर हम बात करें, हम इसका यूज करें द मैन, हम इसका यूज पर्सन्स के लिए भी करते हैं, लेकिन हम अधिकार दिखाने में ही करेंगे, मतलब वस्तुओं वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। द मैन हुज मनी यू स्टोल इज पुअर, पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, द मैन जिसका पैसा तुमने चुराया है वो गरीब है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मनी की बात हो रही है, मनी क्या है, हमारी एक वस्तु है, इसकी बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मनी किसकी है, इस मैन की तो है। ये दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, हुज का यूज करा है कि इस मनी पे इस मैन का अधिकार है,
और उस मनी को क्या किया है, तुमने चुराया है, और वो जिसकी मनी चुराई वो मैन कैसा है, गरीब है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी पे अधिकार दिखाना है, पजेशन दिखाना है, तो आप यूज करोगे रिलेटिव प्रोनाउन हुज का, ठीक है। अब लास्ट बचा है हमारा दैट। दैट का रूल काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा। दैट का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए दैट का प्रयोग या तो हम व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग होता है पशु पक्षी के लिए भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो दैट तीनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय That is honest. तो यहाँ पे आप that जहाँ पे आपने लगाया है, आप इस that की जगह who का use भी कर सकते हो, सही है, क्योंकि हम boy की बात करें, person की बात करें, और who यहाँ पे हम as a subject की या हम subject लगाएंगे, तो हम इसमें who भी लगा सकते हैं, that भी लगा सकते हैं, दोनों sentence जो हैं वो सही होंगे। और देख लीजिए, I saw a peacock that was beautiful. That was very beautiful. तो यहाँ पे हमने that का use कर लिया as an पशु पक्षी में, क्योंकि peacock हमारी एक bird हो गई, उसके लिए हमने क्या use कर लिया, that का use कर लिया, I saw a peacock that was very beautiful. हम इस that की जगह which का use भी कर सकते थे, क्योंकि हमारा which भी हमारा पशु पक्षी के लिए use होता है, ठीक है। अगला sentence देखिए, I, क्योंकि हम वस्तुओं में भी use करते हैं, तो उसका example भी दे देती हूँ। I bought a book That is written by किसी writer का नाम लिख दिया। I bought a book, भी मैंने उसकी book खरीदी, मतलब हमने चेतन भगत लिख देते हैं कि भाई मैंने एक book खरीदी जिसके writer कौन थे, चेतन भगत थे। तो यहाँ पर book हमारी क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, और उसके लिए भी हम that का use कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि अगर आपका निर्जीव पशु पक्षी व्यक्ति वस्तु, तो आप इसमें दैट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ध्यान देंगे ये वाली बात, जो मैंने आपको बताई है कि भैया मैंने क्या क्या आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल पढ़े, और ये इतने ही हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे रूल्स। आपको ध्यान रखना है कहाँ दैट, कहाँ हुज, कहाँ विच, कहाँ पे हुम का यूज होना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी प्रोनाउन की एरर एक्सरसाइज, और सारी एरर ऐसी होंगी जो एग्जाम्स में आई हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो हाई लेवल एरर्स हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, मेहनत करिए और लाइफ में सक्सेस हो जाइए। थैंक यू।